200 ग्राम भी डबल सुपर ओवर में भारत की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। 200 रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम व सुपर ओवर में जीत कर भारत ने इतिहास ही रच दिया। आखिरकार कैसे इस दांतों तले उंगली चबा देने वाले मुकाबले को भारत ने अंतिम ओवर में जीता और अपने नाम भी किया। आपको लास्ट ओवर के हाइलाइट्स का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और बाबर व कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में सीरीज के तीसरे T20 मैच में आज भारत की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा कर रख दी। वैसे तो इस सीरीज को हम सीरीज के दूसरे मैच में ही जीत गए थे, लेकिन तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को कुछ ऐसे हरा रहे हैं ना कि इस हार को भी और इस जीत को भी दोनों को इतिहास में लिखा जाएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम जिसके 22 पर 4 विकेट हो चुके थे, वहां से उठकर रोहित और रिंकू ने अपनी ताबड़तोड़ पारियों से सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, आगे चलकर रिंकू और रोहित ने ना सिर्फ भारत के लिए रन्स बनाए बल्कि तूफानी पारियां भी खेली, जिसमें रोहित शर्मा का तो क्या ही कहना, उनके अर्धशतक के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मात्र 69 गेंदों के अंदर 11 चौके 8 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 121 रन बना डाले। तो रिंकू सिंह ने तो ऐसी बल्लेबाजी करी 69 रन की कि देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई थी। और दोस्तों, अंतिम ओवर में जाते जाते रिंकू सिंह ने सारा मजा चौगुना कर दिया अपने शानदार छक्कों के साथ। दोस्तों, भारत ने 212 रन बनाए, लेकिन अंतिम ओवर का हाल तो सुन लीजिए, क्योंकि अंतिम ओवर में मानना पड़ेगा कि रिंकू सिंह ने वाकई में धोनी की तरह फिनिश किया है। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। 220वें ओवर से पहले भारत का स्कोर 176 था और अंतिम ओवर को फेस करने के लिए रोहित शर्मा पहली गेंद खेलने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया, अगली गेंद जो कि एक नो बॉल थी उस पर छक्का जड़ा, और फिर जो गेंद नो बॉल बनकर फ्री हिट हुई थी उस पर भी एक छक्का लगा दिया। अब 200 स्ट्राइक रिंकू सिंह के हाथ में आई और रिंकू सिंह ने तो कमाल ही कर डाला। 200 रिंकू सिंह ने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और वहां से 4 गेंदों में ना हमारे 22 रन बन चुके थे अब, क्योंकि ये छक्का था। और दोस्तों, 200 रन भी भारत के पूरे हुए थे। 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से रिंकू सिंह फिर से छक्का लगाते हैं और अंतिम गेंद पर 200 रिंकू सिंह एक और छक्का जड़कर भारत के पूरे 212 रन करवा देते हैं, यानी कि इस एक ओवर से भारत को मिलते हैं 36 रन। दोस्तों, मैक्सिमम एक ओवर से जायज तरीके से तो इतने ही रन बन सकते हैं और इतने ही रन रिंकू व रोहित के बल्ले से निकले। दोस्तों, मानना पड़ेगा रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी को, लेकिन रिंकू के जो अंतिम 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के थे ना, वो दिल जीत ले गए। और दोस्तों, एक रिकॉर्ड भी बन गया है इस मैदान पर, आज तक कभी अंतिम ओवर के अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन बने ही नहीं है। रिंकू सिंह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और अंतिम ओवर में 36 रन भी नहीं बने, तो ये पार्टनरशिप भी एक रिकॉर्ड दर्ज कर गई है। अब दोस्तों, इसे चेज करने के लिए जैसी अफगानिस्तान की टीम मैदान में उतरी ना, एक वक्त पर लग रहा था कि ये तो मुकाबला जीत ही नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में वही होता है जो अक्सर सोचा नहीं जा सकता, और आज बिल्कुल वही हो गया। दोस्तों, शुरुआत अफगानिस्तान की टीम की इतनी ज्यादा धाकड़ थी कि देखकर डर लगने लगा था। पहले 5 ओवर में ही लगभग 45 से 50 रन बन चुके थे, उसके बाद लगा कि अभी तो 200 का टारगेट है, ये कैसे जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम के विकेट्स तो गिर रहे थे, परंतु रन भी बराबर से बन रहे थे। गुरबाज ने 32 से 50 रन लगाए, जादरान भी 41 में 50 रन लगाकर गए। 0 पर उमर जाए आउट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ना गुलबदीन के 16 गेंदों में 38 और नबी के 16 गेंदों में 34 रन ना इस टीम को जीत की राह पर ले ही गए। 19वें ओवर की 5वीं गेंद तक दोस्तों इस टीम को अब 7 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। जरा सोचिए कि जीतने के लिए 212 का टारगेट और आपको अंतिम 6 गेंदों के अंदर 19 रन चाहिए हो, तो जीतने का कॉन्फिडेंस उस खिलाड़ी में भी आ जाएगा जिसको बल्लेबाजी का पा भी नहीं आता। और आज दोस्तों ऐसा ही होना था। हार और जीत के बीच में बस खड़ी थी 6 गेंदें और रोहित शर्मा की अद्भुत कप्तानी, क्योंकि अब बल्लेबाजी काम तो नहीं आने वाली थी और 6 गेंद में 19 रन बनाना, वो भी T20 में, ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। और दोस्तों, फिर तो कुछ ऐसा हो गया कि देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो पाया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जहां भारत की जीत को कोई पलट ही नहीं सकता था, वहां अफगानियों ने ये कारनामा कर दिया। पहली गेंद पर दोस्तों गुलबदीन को वाइड गेंद डालकर अपनी बौखलाहट का अंदाजा मुकेश कुमार दे चुके थे। अगली गेंद पर एक धमाकेदार चौका आता है। अब 4 गेंद में 14 रन चाहिए थे। और दोस्तों, फिर तीसरी गेंद पर एक और वाइड आती है, यानी कि एक और एक्स्ट्रा रन चला जाता है। अब 4 गेंद में 13 रन चाहिए थे।
दोस्तों इसके बाद मुकेश कुमार की गेंद पर दो रन लिए जाते हैं और चौथी गेंद पर लगता है छक्का, यानी कि दो गेंद में पांच रन चाहिए थे। और फिर जो अंतिम दो गेंदों पर होता है वो तो दोस्तों रोंगटे ही खड़े कर देता है, दर्शक अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद अगली दो गेंदों में दो दो रन आते हैं, जिसके चलते मुकाबला सुपर ओवर में कन्वर्ट हो जाता है और चला जाता है एक ऐसे मोड़ पर जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बता पाना ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा यहां पर अफगानिस्तान से 100 गुना ज्यादा मजबूत लग रहा था। और दोस्तों सुपर ओवर में होता है वो जो कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है, पहली गेंद पर रन तो छोड़िए उनका विकेट गिर जाता है, अगली गेंद पर एक रन, लेकिन गुरबाज के चौका जड़ने के बाद न जाने नबी में कौन सी जान आती है कि वो छक्का तो जड़ते ही जिसे 13 रन हो जाते हैं, साथ ही साथ 3 रन दौड़कर भी लेते हैं और 1 रन और मिलता है उन्हें, यानी कि 16 रन हो जाते हैं। और अब सुपर ओवर में जीतने के लिए भारत को 17 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी थी, ड्रामा अभी भी और होना था। दोस्तों पहली दो गेंदों पर 2 रन आते हैं, 4 गेंद में 15 रन चाहिए थे कि तभी दोस्तों रोहित शर्मा अजमतुल्ला की गेंद पर 2 बैक टू बैक छक्के जड़ते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल रन ले लेते हैं। अब दोस्तों जीतने के लिए 1 गेंद में 2 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित की इधर अंपायर से लड़ाई हो रही थी, उधर वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन दोस्तों इस वक्त निकलने के चक्कर में रोहित ने अपने विकेट को त्याग करना, मैदान से बाहर जाना जरूरी समझा। यशस्वी जायसवाल 1 रन बना पाए और मुकाबला डबल सुपर ओवर में शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों असली रोमांच अभी भी बाकी था। डबल सुपर ओवर में रोहित शर्मा आते हैं, छक्का लगाते हैं, चौका भी जड़ते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, डबल सुपर ओवर में छक्का चौका लगने के बाद 1 रन और बाकी विकेट्स आते हैं, यानी कि भारत टारगेट देता है 12 रन का। और अब डबल सुपर ओवर में जीतने के लिए रोहित लाते हैं रवि बिश्नोई को, लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई पहली गेंद पर ही नबी का विकेट दिलाते हैं, उस खिलाड़ी का जिसने आज मैच को बनाया। 0 पर इनको आउट करने के बाद भारत की जीतने की उम्मीदें बरकरार थी, जिसके बाद दोस्तों रवि बिश्नोई अगली गेंद पर एक और विकेट लेकर ना भारत को इस मैच में 10 रन से जिता देते हैं। दोस्तों हारा हुआ मैच जिताया बिश्नोई ने और रोहित का तो क्या ही कहा जाए, शतक लगाया और सुपर ओवर्स में उनके अकेले के 25 रन थे। 200 भारत की डबल सुपर ओवर की जीत, 200 रोहित शर्मा ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। और आज कप्तान साहब रोहित शर्मा ने आखिरकार कैसे अपनी शतकीय पारी से ना सिर्फ भारत की जीत लिखी बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ पारी और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित बाबर आजम में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 200 सीरीज जीत कर भी भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे T20 मैच को जीतने के लिए सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसके 2 मैच हम जीत चुके थे, लेकिन तीसरा मुकाबला आज बेंगलोर के फेमस एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला गया। देखिए ये T20 मैच खास इसलिए भी था क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 से पहले ना ये हमारा आखिरी T20 मुकाबला होगा, और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी कि भारतीय क्रिकेट टीम कैसा प्रदर्शन कर रही थी। दोस्तों रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीत कर अपनी टीम के लिए पहले चुनी बल्लेबाजी। कायदे से तो हमारी शुरुआत ताबड़तोड़ होनी चाहिए, ताबड़तोड़ तो थी लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के पक्ष में ताबड़तोड़ थी। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, रोहित शर्मा ने आकर फरीद अहमद को पहले ओवर में 2 चौके जरूर लगाए और तीसरे ओवर में भी, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ना जायसवाल 4 रन पर नबी के हाथों कैच आउट हो गए और चौथी गेंद पर कोहली 0 पर जादरन को कैच समा बैठे। और दोस्तों ये सब देखकर हर कोई पूरी तरीके से भौचक्का रह गया था, लेकिन इसी खिलाड़ी ने दोस्तों जब आकर 5वें ओवर में पहली गेंद पर ही अजमतुल्ला ने शिवम दुबे को गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों शिवम दुबे पिछले मैच के सुपरस्टार इस बार 1 रन पर आउट हो रहे थे और इस ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन 0 पर नबी के हाथों कैच आउट हुए। ऐसा लग रहा था कि मानो केवल अफगानिस्तान की टीम ही इस मैच को खेल रही है। 22 रन पर हमारे 4 विकेट हो चुके थे और अब टीम को केवल एक पारी नहीं बल्कि एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो मिली टीम को दोस्तों रोहित और रिंकू सिंह के रूप में। दोस्तों मजाल है कि सभी विकेट गिरने के बावजूद भी रोहित और रिंकू के माथे पर शिकन आई, उल्टा रोहित शर्मा ने तो अजमतुल्ला को आते ही चौका जड़ दिया और कायस अहमद को भी 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर। खैर दोस्तों पारी के 8वें ओवर में रिंकू ने छक्का जड़कर इस मुकाबले की असली शुरुआत करी। सलीम सैफी नाम के गेंदबाज थे, उनको रिंकू ने एक शानदार छक्का जड़ा और लेंथ डिलीवरी पर एक शानदार सिक्स देखकर अब ये खिलाड़ी बौखला गया था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों बिहाइंड स्क्वायर लेग पर ना रोहित शर्मा ने भी अपना नटराजन स्टाइल में छक्का जड़ दिया
इतना नहीं दोस्तों, रिंकू सिंह ने पारी के 10वें ओवर में एक चौका भी लगाया और 10 ओवर में हमारी टीम 64 पर पहुंच चुकी थी, जिसमें दोस्तों रिंकू सिंह ने 18 गेंदों में एक चौका एक छक्का जड़कर 20 रन बनाए।